सभी भाई को नमस्कार। ड्रीम शो टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉकी की टीम की, जर्मनी वुमेन्स और यूएसए वुमेन्स के बीच में जो हॉकी का जो मैच खेला जाने वाला है उसी की प्लेइंग 11 सेट करेंगे, और ये जानेंगे कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए। और उन सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने हमारी टीम लगाकर हॉकी के अंदर और फुटबॉल के अंदर अपनी विनिंग करी है, और आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम के ऊपर मैंने शेयर करी दिए हैं। और जिस भी दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हॉकी, फुटबॉल और NBA क्रिकेट से रिलेटेड आपको आसानी से मिल सके। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको सर्च करना है ड्रीम शॉर्ट टिप्स और फटाफट से ज्वाइन हो जाना है, ताकि लास्ट मोमेंट में होने वाले चेंजेस की जानकारी इजीली आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ जर्मनी वुमेन्स और यूएसए वुमेन्स के बीच में जो ये हॉकी का जो मैच खेले जाने वाला है, खुद जर्मनी के होम ग्राउंड के ऊपर खेले जाने वाला है हॉकी पार्क के अंदर। 30 अप्रैल को आज रात को 11 बजे ये मैच हमारे को देखने को मिलेगा। 2013 से लेकर अभी तक की बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच में 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसके अंदर यूएसए की जो पोजीशन है 2 मैच की विनिंग कर 8 गोल इन्होंने करे हैं। जर्मनी 1 मैच जीता है और उसने 6 गोल करे हैं, 1 मैच ड्रॉ हो गया था। और पोजीशन की बात करूँ तो फिफ्थ प्रो लीग के अंदर जर्मनी की पोजीशन 6 नंबर पर चल रही है, यूएसए की पोजीशन जो है वो 9th नंबर पर चल रही है। दोनों फिफ्थ प्रो लीग के अंदर एक दूसरे के बाद में ही स्टैंड करते हैं टेबल पॉइंट के हिसाब से। एक जो है वो 11 नंबर पे है, 11 पॉइंट्स लेकर है, और एक 4 पॉइंट्स लेकर है। जर्मनी ने 7 मैच खेले हैं और यूएसए ने 9 मैच खेले हैं अभी तक। यहाँ आपको जानकारी दे दूँ, जिसके आगे भी M इंडिकेट कर रहा है वो मैच के लिए बताता है, G इंडिकेट कर रहा है वो गोल के लिए बताता है, जिस भी प्लेयर के आगे हैश का साइन लग रहा है वो स्मॉल लीग में लेने वाले प्लेयर, और जिस भी प्लेयर के आगे स्टार का साइन लग रहा है उसको हम ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। जर्मनी वुमेन्स की टीम की मैं बात करूं तो जर्मनी वुमेन्स की जो टीम है उन्होंने 7 मैच फिफ्थ प्रो लीग के अंदर खेले हैं अभी तक, और ये जो मैच खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चाइना के 2, ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड के बीच में खेले गए थे। जर्मनी वुमेन्स में 7 में से 3 मैच के अंदर अपनी विनिंग हासिल करी है, और वो उन्होंने जो है वो 4 मैच अपने खुद के होम ग्राउंड के ऊपर खेले, जिसमें से 2 मैच में उन्होंने विनिंग हासिल करी है ब्रिटेन और चाइना के ऊपर। और जो आज इस वाले मैच के लिए मैं आपको बात बता दूं कि सारे के सारे बेस्ट प्लेयर्स जो हैं जर्मनी की टीम के वो अवेलेबल रहेंगे, कोई भी प्लेयर जो है वो मिस नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है हमारे को, इनके प्लेयर्स को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। छोटा सा चेंज हमारे को यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है, जो इनके प्लेयर है जी हैना और मार्टिन्स पाई, ये इस वाले मैच को नहीं खेलेंगे। यहाँ पर इनकी जगह पे माइकल लीना और प्लूटो निकोला, ये दोनों इस वाले मैच को खेलेंगे, तो हमारे को ध्यान रखना है इन प्लेयर को ही लेना है, और दूसरे प्लेयर को जो स्क्वाड में शामिल नहीं है उनको लेने की गलती नहीं करें। देखिए यहाँ पर साइन इंडिकेट कर रहा है, जिस भी प्लेयर के सामने स्टार का साइन लगा हुआ है वो हमारे को यहाँ पर हमारे ग्रैंड लीग के लिए लेना है, और जिसके आगे भी स्टार का हैश का साइन लगा हुआ है वो हमारे को स्मॉल लीग के प्लेयर्स लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर इन प्लेयर के आगे लगा हुआ है, ये हमारे को यहाँ पर लेना है ग्रैंड लीग के अंदर। 6 मैच खेले हैं, गोल एक भी नहीं करा। इन प्लेयर की बात करूँ, नाइक की बात करूँ, एल नाइक की बात करूँ तो 7 मैच खेले हैं, 2 गोल करे हैं, इनको भी आप यहाँ पर ग्रैंड लीग के अंदर ले सकते हैं। 4 मैच खेले हैं, इनको आप स्मॉल लीग में ले सकते हैं। 6 मैच खेले और 4 गोल करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे इस वाले मैच के अंदर। दोनों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए आप इनको ले सकते हैं, 4 मैच इन्होंने यहाँ पर खेले हैं। और नॉर्डमैन नीना की बात करूँ तो 5 मैच इन्होंने यहाँ पर खेले हैं। एस चेरोलेट की बात करूँ तो 7 मैच खेले हैं और 1 इन्होंने गोल करा है। तो ये हमारे प्लेयर रहेंगे स्मॉल लीग की टीम के। स्मॉल लीग की टीम के अंदर आप मुलर, विंडलैंड, जेना को ले सकते हैं, जो कि इस टीम के कैप्टन है जर्मनी के, और 7 मैच खेले हैं, गोल 1 करा है इन्होंने। जेड सोंजा को आप ले सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर, इनको भी आप ले सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर, 5 मैच खेले हैं इन्होंने। विकेल लेना को आप ले सकते हैं, 6 मैच खेले हैं, 1 गोल करा है स्मॉल लीग के लिए। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए आप यहाँ ले सकते हैं जी रेबेका को, 5 मैच करें, 2 गोल करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये भी, और ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आज इनका डेब्यू हो रहा है। प्लूटो निकोला, इनको यहाँ हमारे को लेना ही लेना है। यूएसए की टीम की मैं बात करूँ तो यूएसए की टीम ने इस वाले लीग के अंदर 9 मैच खेले हैं, टोटल 9 मैच में से उन्होंने 6 मैच हारे हैं, 3 मैच ड्रॉ हो गए हैं, पोजीशन काफ़ी ख़राब चल रही है इनकी। 1 SO बोनस इनको मिला हुआ है, और जहां तक कि मैं बात करूं तो यहां पर पॉसिबिलिटी हमारे को जर्मनी के प्लेयर्स को ज़्यादा लेने की चांसेस बनेगी, यदि हमारे को अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर अचीव करने हैं। 6 मैच इन्होंने अपने खुद के होम ग्राउंड के अंदर खेले हैं, बाहर जाके खेले हैं 6 मैच इन्होंने, और सारे के सारे के अंदर ही इन्होंने लॉस हासिल करा है, कोई भी मैच अभी तक इन्होंने नहीं जीता है। इसकी स्क्वाड की बात कर लूँ तो हमारे जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन रहेंगे वो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, मोएन ल्यूरेन,
इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 2 गोल करे हैं, यहाँ पर आप इनको ले सकते हो, 7 मैच खेले हैं, 3 गोल करे हैं इन्होंने, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यंग जूलिया को आप ले सकते हो, 9 मैच इन्होंने यहाँ पर खेले हुए हैं। और इसके अलावा बात करें फ्रॉडिट अली को आप यहाँ ले सकते हो, 9 मैच इन्होंने यहाँ खेले हुए हैं, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये भी स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, 9 मैच खेले हैं इन्होंने, 2 गोल यहाँ पे करे हैं स्मॉल लीग के लिए, जो इसी टीम के कैप्टन हैं यूएसए की, इनको आप ले सकते हो यहाँ, 9 मैच इन्होंने खेले हैं। ग्रैंड लीग के लिए आप यहाँ पर मौका दे सकते हो मैन लिए एलियसा को, 9 मैचेस इन्होंने यहाँ पर खेले हैं। और इसके बाद में हम बात करें तो लगभग लगभग जो चांसेस हैं यहाँ पर जर्मनी की विनिंग की चांसेस जो है वो काफ़ी हाई है। यूएसए अभी तक जब भी बाहर जाकर खेला है तो एक भी मैच वो अभी तक नहीं जीता है, और जर्मनी के खुद के होम ग्राउंड के अंदर मैच है, पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा लगती है। तो मैं यहाँ बोलूँगा आपको कि जर्मनी की जो प्लेयर्स हैं उनको आपको यहाँ ज़्यादा लेना है, और दोनों तरीके से पोजीशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का बना सकते हैं। एक बार अपन अपनी टीम के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि अपन ने कौन से अपने टीम के अंदर प्लेयर्स को लिया है, और लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं चेंजेस आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी इस टीम को आप देख सकते हैं, लेकिन टीम आप खुद अपने हिसाब से बनाएं जो मैंने यहाँ जानकारी दी है। देखिए यहाँ पर मैंने गोलकीपर के रूप में एन क्यूबकेलिस्की को लिया है मैंने। डिफेंडर की बात करें तो डिफेंडर में जे विनलैंड को लिया है मैंने, जे यंग को लिया है, एन लॉरेंस को लिया है, 3 मैंने यहाँ डिफेंडर लिए हैं। मिडफील्ड की बात करें तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वाडर को लिया है, डी ग्रेजर को लिया है, एल मोयर को लिया है, और मैंने एम एलिसिया को लिया है। 4 मैंने यहाँ प्लेयर्स लिए हैं। और फॉरवर्ड की बात करूँ तो फॉरवर्ड के अंदर मैंने एच गैबलेक को लिया है, सी स्टेफनॉन को लिया है, एल माइकल को लिया है, 3 मैंने यहाँ प्लेयर्स लिए हैं। और स्टार पॉइंट्स के लिए यहाँ पर एक बार टीम के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर मैंने कैप्टन यहाँ पर बनाया हुआ है एन नॉलेंस को, और वाइस कैप्टन यहाँ मैंने बनाया हुआ है जे विलैंड को। तो एक बार टीम के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखिए कैप्टन के अंदर मैंने एन लॉरेंस को कैप्टन बनाया हुआ है, वाइस कैप्टन मैंने जे विनलैंड बुलर को बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ दूसरे किसी कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, और लास्ट मोमेंट पे अपडेट डालते टाइम पे मैं वहाँ पर आपको वेरिएशन दे देता हूँ कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आप और इनके अलावा किसको बना सकते हैं, तो एक से ज़्यादा टीम बना के भी आप खेल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी टीम। इस टीम के थ्रू जाकर आप अपनी विनिंग करके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।